So I think atmosphere थोड़ा सा light कर चुके हैं हम. Before we go ahead, सलमान भाई, हाँ जी, आपको कैसा लगा ये गाना? Amazing, बहुत ही अच्छा था आपका गाना, काफी relatable. आपके life में कभी हुआ है breakup? हाँ हुआ है. कितने बार? बहुत बार या एक बार? मैटर सिर्फ 2 बार करा है. 2 बार ही हुआ है. दोनों में से दोनों ही बुरे थे या एक ही बुरा था? मैं बुरा था. आप बुरे थे. अच्छा, दोनों ब्रेकअप्स में से ये पूछना है कि आपने दोनों किए या किसी ने आपको किए? दोनों भी उन लोगों ने किए थे. अच्छा, तो दोनों उन्होंने किए और गलती आपकी थी दोनों में? मैं वैसे सोचता हूँ. आप सोचते हो ऐसा? मेरा पर्सपेक्टिव है वो. लेकिन दिल टूटने का जो एक फीलिंग है वो कैसा है, और उसके बाद मूव ऑन करना वो कितना इजी रहता है? समझने बहुत टाइम लगता है वो चीज़ को, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. बिकॉज एक्सेप्ट करने बहुत टाइम लगता है वो इंसान के बगैर रह पाना. व्हेन दैट पर्सन बिकम्स योर हैबिट, आप उनके बारे में दिन रात सोचते हो, यू लिव बाय देम. तो एकदम वो पर्सन जिसके बगैर आप बात करके रह नहीं सकते, सडनली दैट पर्सन बिकम्स नो वन. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट. तो क्या होता है ब्रेकअप के बाद आप सोचते हो कि दूर रहूंगा तो बेटर रहेगा, लेकिन आपको चॉइस नहीं, आपको उनके साथ ही, मतलब सपोज यू गो टू कॉलेज टुगेदर, तो आप हर दिन उनको देखोगे. हाँ जी, तो एस्केप तो कर नहीं सकते आप. दैट फीलिंग इज समथिंग दैट अगर आप उनसे दूर भी रहोगे वो आप फिर भी उनके बारे में सोचोगे. तो वो डिस्टेंस का भी मैटर नहीं करता है. चाहे कांस्टेंट रिमाइंडर जो आपको आता होगा उसका भी दर्द होता होगा. हर चीज़ का दर्द होता है भाई. व्हेन यू लूज समवन दैट इज मींस अ लॉट टू यू. जब आप किसी को प्यार करते हो और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप उनके बगैर रहना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस बट टू स्टे विदाउट देम. तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है दिन और रात हाउ हार्ड इट कैन बी ऑन अ पर्सन. लेकिन इट इज़ समथिंग दैट रिमाइंड्स यू अबाउट द ब्यूटी ऑफ लाइफ एज वेल. मैं किसी लड़की से पूछना चाहता हूँ इसी बात पे एक पर्सपेक्टिव. क्रिसैन, What's your perspective on this? कुछ situations ऐसा होता है कि you can't do anything about it. If you feel that you can change something, will you do that? You know, it's always good to listen to your heart. मैं ये समझता हूँ. यहाँ से सब गड़बड़ होता है. अच्छा, आंखें बंद कर लो. Take a few deep breaths. And what's that one person that comes to your mind when you close your eyes? Don't need to tell, you know it. Done? Did you feel good? Thank you. Salman, what are you feeling? I feel a lot, लेकिन कुछ situations होती हैं जहाँ पे आपको दूसरों के लिए चुप रहना होता है. आपको पता है कि किसी ने आपकी तरफ देखा है और आप blush कर रहे थे अभी? मैं सोच भी रहा था. सोच भी रहा. ये सोच भी थोड़ी सी, मतलब गलत चीज़ है. आप फील क्या करें? सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि जब दिमाग दिल के मामले में आता है तो बहुत चीज़ें बिगड़ती हैं. लेकिन कभी कभार दूसरों के लिए आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है, वो चीज़ बेटर होता है. काफ़ी लोग कहते हैं कि आप दूसरों के लिए आपको कुछ पहले करना चाहिए और फिर आपके लिए करना चाहिए. मैं तो बिलीव करता हूँ आप खुद के लिए कुछ करोगे तो आप किसी और के लिए भी कर सकते हो. प्यार में आप किसी और को अपने सामने रखते हो. दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग दैट कम्स विद लव. ओके, आई नो आप थोड़ी सी नर्वस हैं अभी, लेकिन आई फील कि आपने जिस पर्सन का विजुलाइज किया अपने मन में, अपने माइंड में, कैन यू शेयर दैट? डू आई हैव टू? टेल अस हिज नेम. चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है. सलमान सुना? मैंने कहीं पे सुना है कि you should choose someone who chooses you. That is the real love. And ask from me, मैं तो बहुत प्यार वाले गाने गाता हूँ, मैं जानता ही हूँ। मैं गलत नहीं जा सकता इस मामले में। प्यार के मामले में हवा टाइट हो ही जाती है ना, मतलब कोई चीज़ में हो ना हो, इसके मामले में तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। So I want to request कि आप सब जो है वापस हाउस के अंदर चले जाएं अपने respective rooms में, except Salman and Krissan, because I feel like they need some time to get. See, I know कि ये जो एक छोटी सी एक्सरसाइज की मैंने, किसी के लिए इजी नहीं होती है। दिस इज लाइफ, दिस इज लव। एंड लव के मामले में जैसे आपने कहा, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। इट्स नेवर सिंपल। इट्स अपॉन अस टू सिंप्लीफाई इट एंड मेक इट ऑल राइट, व्हिच इज व्हाई आई वांटेड टू डू दिस। Isn't that hurting them even more? This had to come out someday. How long can you hide stuff? Take it. How long can you hide something from someone when you're trying to protect them? Isn't that hurting them even more? मालूम है क्या मैनेज किया है यहाँ पर? डू यू रियलाइज दी इम्पोर्टेंस? यहाँ बैठो पहले तुम। तुम्हें मालूम है वो दो लोगों को तो तुमने साथ में लाने में हेल्प करी। द इंटायर कंट्री हैज बीन टॉकिंग अबाउट #Krissann, Krissann और सलमान। नो, नाउ दैट आई एम सीइंग देम, अभी मतलब आई एम सीइंग रियल इमोशंस हियर। Even when we broke up, I was just trying to protect you.